इस बात की प्रसन्नता है स्वामी विवेकानंद के इस युवा दिवस के अवसर पर हमारे वो जो विशेषता वाला समय है, हम सब जानते हैं कि आज इस इतने कठिन काल में भी अगर विवेकानंद जी के अवसर पर ये जयंती मना रहे हैं तो एक साथ हमने दोनों लक्ष्य की प्राप्ति की है। एक तरफ हमने अपने उस जिज्ञासु समाज के साथ अपनी उस भूमिका को रखने का प्रयास भी किया है जो विवेकानंद को जानना चाहता है, लेकिन विवेकानंद के माध्यम से सनातन संस्कृति से भी हम परिचित कराते हैं और योग के माध्यम से भी जैसे स्वामी विवेकानंद के उस भाव को जानने के बाद हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने 21 जून को जो अपने लिए योग दिवस घोषित कराया है, इस योग के मामले में विवेकानंद ने वर्षों पहले तक लगातार एहसास कराया था, इसलिए आज भी सारे साधु संन्यासी अपनी योग के माध्यम से पतंजलि ने जो अष्टांग योग का दर्शन दिया है उस अष्टांग योग की विशेषताओं के माध्यम से भी हम अपने अपार शक्ति का जो स्रोत मनुष्य का शरीर होता है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि युवा दिवस के अवसर पर सारे विद्यार्थियों के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार का मुखिया होने के नाते से आपके बीच सम्मिलित हुआ हूँ। मैं स्कूल शिक्षा विभाग और शासन के सभी अंगों का एक तरह से स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मन का वास होता है। ऐसे में योग के माध्यम से हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, नित्य अध्ययन करें और लगातार जो हम सबके मन में अपार भाव बना हुआ है कि हमारे अपने जीवन को सुधारते हमारे जीवन की अच्छाइयों को धारण करते हुए न केवल मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाए बल्कि देश को भी आगे बढ़ाए, अपना स्वयं का जीवन अच्छा करे, दुनिया के सामने हमारी अपनी भारतीयता को सिद्ध करें। मेरी अपनी ओर से इस मंच पर बैठे सभी अतिथियों का भी मैं वंदन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहित करते हुए न केवल माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी बल्कि कोशिश करेगी कि पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर वन का राज्य हो, सबसे आगे बढ़कर के सभी व्यवस्थाओं को सुचालित संचालित करते हुए सुनिश्चित करने के लिए लगातार कटिबद्ध रहे। मेरी अपनी ओर से ये 2024 की शुरुआत का समय है और शुरुआत के समय में हम पे कई सारी जवाबदारियां भी है। मध्य का प्रदेश होने के नाते से अपार संभावना वाला हमारा मध्य प्रदेश है और अपार संभावना वाले क्षेत्र में विविधता भी है। भौगोलिक दृष्टि से हम बहुत विशालता धारण करे हुए हैं, लेकिन अगर हम शहरी ग्रामीण वनांचल इन सब की बात देखें तो अलग अलग प्रकार की कई चुनौतियां भी हमारे सबके सामने हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम सब संकल्पित हैं हमारी अपनी वर्तमान की व्यवस्थाओं के आधार पर निश्चित रूप से मध्यप्रदेश आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको एक बार फिर शुभकामना बधाई बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।